ऐसे में मेरी सहयोगी काजोल नारायण भी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। काजोल, जिस तरह से कल ये पूरा हादसा हुआ और शाम होते होते जो खबर हर किसी को मिली कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे, यकीन कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल पावल, क्योंकि देश को ये गहरी क्षति पहुंची है। पहले सीरियस वो बने और इस तरह से उनका यूं चले जाना, दुनिया को अलविदा कह देना, बाकी आंखें नम हो रही हैं और देश ही नहीं विदेशों से ही शोक संवेदनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बेहद दुखद है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हेलीकॉप्टर में क्या हुआ था, क्या कमी आ गई थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है अब जो सेना है उसे। अब इसकी जांच होगी कि आखिर कमी क्या थी, क्या, क्योंकि कुछ वीडियोज ऐसे सामने आए हैं पारुल, स्थानीय जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उसमें जब वो उड़ रहा था तभी उसमें आग की लपटें देखी गई, उसके बाद वो फिर नीचे गिरा। तो ऐसे में ये जानना जरूरी होगा कि बाकी क्या, चलते चलते ही हेलीकॉप्टर में आग लगी थी तो आखिर क्या कमी थी, क्या तकनीकी कारण था, क्या वजह थी। इसके अलावा अगर नीचे गिरा है हेलीकॉप्टर उसके बाद आग लगी तो ये भी जानना होगा कि आखिर वहां क्या कमी रह गई थी। बेहद दुखद है, लेकिन अब जांच जारी है, अब जांच जारी है, जो भी कुछ तथ्य सामने आएंगे वो हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में भी आज भावभीन श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है नमाकों के साथ, बाकी जो लोग हैं जो इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं, न्यूज पॉल इंडिया भी उन्हें अपनी तरफ से एक भावभीन श्रद्धांजलि दे रहा है और नमन कर रहा है। बिल्कुल, अगर पृथ्वी की बात करें हम पारुल, तो पृथ्वी ऐसे पायलट थे जिन्हें M17 जो उड़ाना, जो हेलीकॉप्टर था उसमें वो माहिर थे। बिल्कुल बिल्कुल काजोल, आपको काजोल आपको मैं अभी यहाँ पे रोकना चाहूंगी, आप दोबारा से आपका रुख करूंगी, आप बनी रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट सनपाल राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनपाल जी, जिस तरह से यकीन कर पाना अभी बेहद मुश्किल हो रहा है, आपसे जानना चाहूंगी मैं कितना बड़ा ये लॉस है भारत के लिए। भारतवर्ष ने आज एक वीर सपूत देश का खो दिया है। जनरल रावत में जो मॉडर्नाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक्स, यूपीए और मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के कंसेप्ट जो उन्होंने किए वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने तीनों सर्विसेज को जो सिनर्जी और एक प्लेटफॉर्म दिया वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जनरल रावत मॉडर्न जनरल थे, देशभक्त थे और हमेशा चार्मिंग पर्सनालिटी थे। कितना भी एडवर्स सिचुएशन में भी वो एक टीम को साथ लेके, एक समन्वय के साथ लेके एक चार्मिंग पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी के जनरल थे। और उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड जनरल थे, बट जो भी उन्होंने सोचा उसमें उन्होंने 100% सफलता प्राप्त की। वो अपने कोर्स के सोडा बोनर थे जो आईएमए से पास आउट हुआ, फिर आईएमए में मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे। उसके अलावा उन्होंने बटालियन कमांड की है, वो भी फील्ड एरिया में कमांड की है, ब्रिगेड भी फील्ड एरिया में कमांड किया है और डिवीजन भी फील्ड एरिया में कमांड किया, कोर भी उन्होंने फील्ड एरिया में कमांड की, उन्होंने कोई पीस एरिया में कमांड नहीं की। उसके अलावा वो फॉरेन मिशंस में कांगो में गए, वहां पे काफी इंटरेक्शन किया और कमांड एंड जनरल स्टाफ अमेरिका से उन्होंने कोर्स किया जी। तो उनका जो प्रोफाइल है वो एक इंटरनेशनल जनरल का प्रोफाइल है जी। वो उनको मॉडर्नाइजेशन जो कॉम्पैक्ट रिक्वायरमेंट है आज देश की और रीजन की, आप ये देखें डोकलाम में भी उन्होंने बड़ा इनपुट दिया, गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस दिया और उसका रिजॉल्व किया। और लद्दाख के अंदर भी आप देखें उनकी जो विस्तार नीति है चाइना की, जो दुश्मन देश की, उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि रिजंगला के ऊपर भी हम पहुंच गए और उनको हमने उनको घुटने टिका दिए, कलवान में तो उनको खदेड़ा ही जी। उसके अलावा भी एक साइकोलॉजिकली हमने उनको सेटबैक दिया है जी। तो जनरल बिल्कुल किस तरह से जी संतपाल जी, किस तरह से दुश्मन देश को जवाब देना है, किस तरह से पटकनी देनी है, बखूबी वो जानते थे जी। उन्होंने साइकोलॉजिकली वॉरफेयर उनका जो आप ये देखें वो चाइना को उन्होंने बी फिटिंग रिप्लाई दिया। आप चाइना को जहां भी देखें चाइना अपर एज है,
लेकिन उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, सक्षमता और प्रातम से, विवेक से उन्होंने एक पाकिस्तान को अपनी जगह दिखा दी है और पाकिस्तान बैकफुट पे है। जी जी बिल्कुल संतपाल जी, अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरह के इंसान थे, क्योंकि बहुत ज्यादा युवाओं में भी जो है उनको लेकर एक इंस्पिरेशन युवा मानते थे उन्हें कहीं ना कहीं। जी बहुत काइंड हार्टेड, ग्रुप्स के साथ रहना, वो बहुत ही मिलजुल कर समन्वय करके और लोगों के साथ काइंड हार्टेड, एक जवानों के जनरल थे वो, वो जवानों से बड़े खुल के बात करते थे, ऑफिसर्स से भी खुल के बात करते थे और बड़े उनको उस लेवल पे बात करते थे और जहां पे भी वो बड़े काइंड हार्टेड थे और उनके अंदर एक ओपननेस थी, अप्रोचेबिलिटी थी, एक स्टिफ जनरल नहीं थे, वो खुद ही हाथ में गले में हाथ डाल के बात करने वाले थे, फील लेना चाहते थे, मनोबल लेना चाहते, मनोबल को ऊंचा रखना चाहते थे और उन्होंने जवानों के लिए भी काफी कुछ मॉडर्नाइजेशन में किया, सुविधाएं जो जवानों को फील्ड एरिया में देने के लिए काफी उस पर काम किया और गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ा विश्वास दिया, हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है, जो लड़ाई की क्षमता है, उन्होंने 2.5 फ्रंट पे बात करी, उन्होंने जो गवर्नमेंट को बताया कि वी आर रेडी नॉट ओनली ऑन 2 फ्रंट पाकिस्तान और चाइना, वी आर रेडी फॉर 2.5 फ्रंट। तो ये एक अपने आप में एक विशेष महारत, उनको कॉम्बैट का बहुत हासिल था और उनकी जो फिलोसफी थी, जो विजन था मॉडर्नाइजेशन का, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी 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 चलिए ठीक है संतपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो लगातार बता रहे थे बिपिन रावत के बारे में कि किस तरह के वो इंसान थे, किस तरह से वो काम करते थे और किस तरह से पाकिस्तान और चीन को उन्होंने करारा जवाब दिया था। मेरी सहयोगी काजोल भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। काजोल, जिस तरह से अभी आपने सुना होगा किस तरह से डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो लगातार ये बातें बता रहे थे कि किस तरह के इंसान बिपिन रावत थे और बखूबी वो जानते थे कि किस तरह से जंग लड़नी है और किस तरह से दुश्मन देश को चुप कराना है। बिल्कुल पावल, तभी इतने कहा जाता है कि वो जो एक शक्ति मंत्र है वो देकर गए हैं, वो दुनिया को अलविदा तो कह गए लेकिन दिलों में हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वो जो मंत्र देकर गए हैं उस पर अब जो हमारी सेना है वो चलती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, हमने बखूबी देखा है किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बिपिन रावत ने निभाई थी। देखिए बिपिन रावत और उनकी पत्नी का ये यूं चले जाना दुखद है, लेकिन जो बाकी और अधिकारी इसमें शामिल थे उनका चले जाना कहीं ना कहीं उससे उभर पाना बेहद मुश्किल है। उनके परिवारों की भी लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, इतनी मार्मिक तस्वीरें हैं पापा, मैं बता नहीं सकती, देखकर ही रोना आ जाता है। मैं बात कर रही थी M-117 जो हेलीकॉप्टर था जो उड़ाते थे उनकी, वो अगर उनकी मैं बात करूं तो उनके परिवार वाले बेहद दुखी हैं। पिता बहुत इंतजार कर रहे थे कि वो जल्द ही छुट्टी पर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो कभी अब वापस लौट नहीं सकते। तो ये दुखद है, दुख की घड़ी है, लेकिन देश इससे बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत कुछ सिखा कर ये लोग गए हैं, देश मजबूत हुआ है और आगे भी इनके नक्श कदम पर देश चलेगा। तो ऐसे में उम्मीद है कि भले ही हमारे बीच अभी बिपिन रावत नहीं है, लेकिन उनकी जो शिक्षा है जो उन्होंने दी देश को, उस पर हम बखूबी चलेंगे और कहीं ना कहीं और ज्यादा सशक्त बनाएंगे। ये बेहद जी बिल्कुल, जो मंत्र वो देके गए हैं काजोल, कहीं ना कहीं उसी पर अब आगे चलना है और उनका कहीं ना कहीं जो चीजें वो सिखा कर गए हैं उसी को आगे बढ़ाना है। फिलहाल काजोल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है, देखने को मिल रही है, तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, हर कोई जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। और ऐसे में तमाम ट्वीट्स जो हैं वो भी कल से लगातार बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अभी VIPs की तरफ से किए जा रहे हैं। और ऐसे में आज आपको बता दें कि शाम तक बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद कल उत्तराखंड में दोनों को अंतिम विदाई दी जाएगी।